दोस्तों मैं अमरेन, स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल पे। और दोस्तों आज मैं कोई वीडियो बनाने नहीं आया हूं, ना ही मैं किसी विनर्स को लेकर के आया हूं अपने चैनल पे। आज मैं आप लोगों की जो क्वेश्चन है उसके बारे में बताने आया, क्योंकि आप लोगों का भर भर के कॉमेंट आता है पब्लिक उड़ान चैनल को लेकर के। तो आज उसके बारे में कुछ बातें होंगी कि आखिर मैं ड्रीम इलेवन विनर का वीडियो क्यों बनाता हूँ और क्या कारण है कि मैं सिर्फ विनर का ही वीडियो बनाता हूँ। और आखिर जो आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर आपको कैसे पता चलता है कि कौन सा विनर कहाँ है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा विनर कहाँ है और कैसे मुझे पता चलता है। तो दोस्तों सबसे पहले तमाम जो श्रोतागण हैं उन लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे शुभचिंतक हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आपका जो सवाल है उन सवालों का मैं जवाब दूं। सबसे पहला सवाल आपका कि आप सर सिर्फ ड्रीम इलेवन विनर का वीडियो क्यों बनाते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को पता ही है कि आज से 3 साल पहले मैंने पब्लिक उड़ान चैनल को स्टार्ट किया था। और सिर्फ जब मैंने स्टार्ट किया था काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, और मेहनत करने के बाद मैं हर तरह के कंटेंट को लेकर के आता था, चाहे समाज से रिलेटेड हो, किसी के साथ आपत्ति हो रही हो, किसी को प्रॉब्लम आ रहा होगा, जो भी लोग बुलाते थे मैं हर जगह जाता था, सबकी रिपोर्टिंग करता था, बहुत जगह पर बहुत सारी बातें सुनने को मिलती थी। लेकिन इसी बीच रिपोर्टिंग जब करता था तो ऐसा नहीं है कि मैंने शुरू से ड्रीम इलेवन विनर का रिपोर्टिंग किया। जब आप जाकर के देखेंगे ना तो हमारा पहला वीडियो जो वायरल हुआ था वो हमारे ही जो साथी हैं, हमारे साथ काम करते हैं, उन्होंने वीडियो छोड़ा था जिसपे किसी क्रिएटर के बारे में एक न्यूज़ लाया था कि क्रिएटर्स पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, चूँकि वो यूट्यूब पे एडल्ट टाइप का वीडियो छोड़ रहे थे, जिसकी वजह से प्रशासनिक कार्रवाई हो गई थी और कुछ यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया था। हमारा वो पहला वीडियो था जिसपे लगभग उस टाइम 10 से 15 हज़ार व्यूज़ आया था, लेकिन अभी वो व्यूज़ बढ़ के लाखों में चला गया है। उसके बाद हमारा जो दूसरा वीडियो था, आपने देखा होगा कि एक आर्मी का स्टूडेंट था जिसके साथ नाइंसाफी कहे, जाति कहे या फिर आर्मी का रूल कहे, ये नहीं कहूँगा कि उसके साथ आर्मी वाले जाति कर रहे थे, चूँकि सबकी अपनी अपनी एक क्राइटेरिया होती है और उस क्राइटेरिया से हट के कोई कुछ नहीं करता, और करता है तो भाई ऊपर के लोग ही इस चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, नीचे वाला लोग को कोई अधिकार नहीं होता है कि वो किसी भी नियम को चेंज कर दे आपके लिए। तो कोविड का टाइम चल रहा था जिसमें एक स्टूडेंट ने सब कुछ कर लिया था, सिर्फ उसकी मेडिकल होनी थी, गाड़ी की वजह से वो टाइम पे मेडिकल पे नहीं पहुंचा था, 10 मिनट लेट हुआ था जिसकी वजह से मेडिकल में उसको नहीं लिया गया था। जब मैं वहां पहुंचा था तो वो रो भी लग रहा था, उसने मेरे से अपनी दास्ता सुनाई और मैंने उस वीडियो को डाला तो सोचा नहीं था कि ऐसा हमारे साथ होगा, लाखों में व्यूज आया था और वो वीडियो आज भी हमारा मोस्ट पॉपुलर वीडियो है, 5 मिलियन के आसपास आप जाकर के यूट्यूब पे देख सकते हैं। उसके बाद कई सारे ऐसे घटना होती रही जिसपे मैं वीडियो बनाता रहा, व्यूज जाते रहे जाते रहे जाते रहे। एक घटना हुई थी कटिहार में शिवराज पासवान हत्याकांड। तो शिवराज पासवान की अगर बात करें ना तो वो मेयर थे और मेयर रहते हुए कटिहार के ही जो आपसी लोग थे, जो आसपास के लोग थे, क्या वजह था पता नहीं, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई थी उनके ही मोहल्ले में। उस वाले मैटर में भी मैंने रिपोर्टिंग किया था, बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग करने के बाद काफ़ी अच्छा लोगों से प्रसिद्धि मिली थी और मैं हर चीज़ कर रहा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब मैं समाज के लिए आवाज़ उठाता रहा तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी मैं नहीं माना कि चलो समाज के लोगों के लिए हाँ आवाज़ उठाना है, पत्रकार हूँ, सबके हित में काम करूँगा। लेकिन ऐसा हुआ कि जब ऐसा चल रहा था सिलसिला, उसी बीच मैंने ड्रीम इलेवन विनर का भी इंटरव्यू किया, ठीक है। तो जब ड्रीम इलेवन विनर का इंटरव्यू किया तो उस पर 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और उसके बाद ड्रीम इलेवन के लगातार कुछ यूजर्स मिल गए, विनर्स मिल गए, तो मैंने उनका वीडियो डाला। तब तक ये नहीं सोचा था कि और न्यूज़ लेके नहीं आऊँगा मैं। जब ऐसा हो रहा था उसके बाद मैं दूसरा वीडियो जब लेके आने लगा तो पता चला कि जब ड्रीम इलेवन का भी वीडियो डालता हूँ तो ड्रीम इलेवन के वीडियो पे भर भर के व्यूज आते हैं, बाकी दूसरा जो वीडियो है उस पर हमारा रीच पूरा डाउन हो गया, व्यूज़ नहीं आ रहा है। तो क्या हो रहा था कि दूसरे वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहा था, तो हमारा एक्सपेंस भी नहीं बन पा रहा था, खर्च तो हम लोग जा नहीं पा रहे थे। ड्रीम इलेवन का कंटेंट हमारे पास आया और आईपीएल का टाइम था तो कंटिन्यू हमने सोचा कि चलो सबको लालसा होती है कि जिसका व्यूज जाए उसकी वीडियो डालेंगे, कुछ पैसा भी हो जाएगा। और यूट्यूब पे लोग क्यों आते हैं, पैसा कमाने के लिए आते हैं, साथ ही साथ पॉपुलरिटी, मतलब एक अपने चेहरा को, अपने आप को एक पहचान देने आते हैं। तो मैंने भी ऐसा ही किया, पहचान दिया, पैसे भी कमाए। बट दूसरा व्यूज पे आप लोगों ने प्यार नहीं दिया, या फिर आप लोग कहे या फिर और लोग कहे,
तो धीरे धीरे क्या हुआ कि हम भी आईपीएल का टाइम चल रहा था, हमारा भी मिस हो गया कि ड्रीम इलेवन विनर का इंटरव्यू करेंगे, खर्चा भी उठ जाएगा, कुछ प्रॉफिट भी उठ जाएगा। लेकिन लगातार जब ऐसा हुआ तो हमारा दूसरा वीडियो पे व्यूज नहीं आने लगा, तो हमने भी सोचा कि चलो ड्रीम इलेवन विनर का इंटरव्यू करते हैं, और पूरा देश खेल रहा है, मैं करूँ या ना करूँ कोई ना कोई तो इंटरव्यू करेगा ही करेगा, इसलिए हमने सोचा कि चलो इसी को अपना निश डाल लेते हैं। जैसे यूट्यूब पे क्रिएटर्स क्या करते हैं, टेक्निकल क्रिएटर टेक्निकल वीडियो बनाते हैं, गेम्स वाले क्रिएटर गेम की वीडियो बनाते हैं, एक्सपर्ट रिसर्च वाले क्रिएटर रिसर्च की वीडियो बनाते हैं, तो हमने अपना निश ड्रीम इलेवन विनर डाल दिया। अभी जब ड्रीम इलेवन विनर जब नीश हमने डाला, जब भी मैं वीडियो डालता हूँ तो भर भर के व्यूज आते हैं, मिलियन में व्यूज जाते थे, अच्छी खासी रिवेन्यू हो जाती थी और लोगों का भर भर के प्यार मिलता था। बट समय के साथ आज लोग कह रहे हैं कि आप ड्रीम इलेवन को प्रमोट कर रहे हो, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं ड्रीम इलेवन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ड्रीम इलेवन को मैं प्रमोट करूँ या ना करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरी पहचान कोई बड़ी नहीं है, मेरा पहचान एक यूट्यूबर है और मात्र 3 लाख लोगों का परिवार है, वो तो आप लोगों का प्यार है कि आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं। नहीं तो आप ड्रीम इलेवन को जा करके देख लो, सरकार ने लीगल किया हुआ है और बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े फिल्म सिटी के अभिनेता, सब लोग, राजनेता, सब लोग मिलकर ड्रीम इलेवन को प्रमोट करें, क्योंकि ड्रीम इलेवन आज इतना पैसा कमा रहा है, देश से इतना पैसा कमा रहा है। और हम लोग क्या, हम तो वीडियो बना करके वीडियो पे मुश्किल से मुश्किल 5,000 या 10,000 रुपया कमाते होंगे, लेकिन एक एक 10-10 सेकेंड का वीडियो बनाने के लिए क्रिएटर को करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। आपको बता दूं कि मैं ड्रीम इलेवन के ऑफिस में भी गया था, वहाँ बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मैं गया था कि एक कोलैबोरेशन मिल जाए ड्रीम इलेवन के साथ काम करने का, बट मुझे वो कोलैबोरेशन नहीं मिल पाया। और मैंने सोचा था कि मैं वहाँ जाऊँगा, कोलैबोरेशन मिलेगी तो ड्रीम इलेवन की तरफ से कुछ हमें डेटा मिलेगा, जिस डेटा के थ्रू हम ड्रीम इलेवन विनर के घर तक पहुंचेंगे, पर ये चीज़ उनका सीक्रेट था, उन्होंने ऐसा नहीं किया, हमें बैठाया समझाया। हालांकि हमारी रिक्वेस्ट को रख लिया है कि फ्यूचर में हम आपको बताएंगे, और बोला था कि आईपीएल खत्म होने के बाद अगर हो सकता है तो आपकी बातों पे मंथन किया जाएगा, चूंकि अभी टाइम नहीं है। अब बात रही कि ड्रीम इलेवन विनर का इंटरव्यू हम कैसे करते हैं और कैसे पता चलता है कि ड्रीम इलेवन विनर कौन कहाँ बना, तो आपको पता होगा कि यूट्यूब पे जो लोग जो देखते हैं उनके पास वही आता है। तो हम लोग ड्रीम इलेवन पे काम करते हैं तो यूट्यूब पे खोजते हैं कि कौन सा विनर कहाँ बना है। कोई ना कोई ऐसा सोशल मीडिया का स्वतंत्र चैनल है जहाँ पे जिस गांव में कोई विनर बना है तो गांव में विनर बनेगा, कोई ना कोई तो पत्रकार तक बात पहुँचाए गए, पत्रकार उस वीडियो को बनाए गए, यूट्यूब पे छोड़े गए, व्यूज आएंगे ही, क्योंकि जब करोड़पति बनने का बात आता है तो लाखों लोग देखना पसंद करते हैं, YouTube रिकमेंड करती है और उन लोगों तक तो खास करके भेजती है जो लोग इन चीज़ों को देखना पसंद करते हैं। तो हम भी देखना पसंद करते हैं, देखते हैं गांव, देखते हैं फिर जाते हैं इंटरव्यू करते हैं, आप लोग कहते हैं कि विनर को लेके आओ लेके आओ, बस इसी तरह से लेके आते हैं। अगर यहाँ से भी पता नहीं चला तो आप लोगों में ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारा वीडियो देखते हैं, हमें पसंद करते हैं, वो लोग मैसेज के थ्रू, मेल के थ्रू आप अपना एड्रेस बताते हैं कि हमारे गाँव में फलाने दिन फलाने मैच में फलाने व्यक्ति ने मैच जीता है, आप आके इंटरव्यू कीजिए। कोशिश करते हैं कि विनर से कनेक्ट करें, कनेक्ट हो गया बुलाया तो भी गए, नहीं बुलाया तो भी गए। ऐसा नहीं है कि हर जगह जाते हैं और इंटरव्यू करके ही आते हैं, बहुत जगह निराशा भी हाथ लगती है, लोग अपने आप को हाईलाइट नहीं करना चाहते हैं, यूट्यूब पे नहीं आना चाहते हैं, चैनल पे नहीं आना चाहते हैं, तो छोड़ देते हैं, कोर्स भी नहीं करते हैं। बस यही सिलसिला है जिससे विनर्स का पता चलता है, विनर्स का इंटरव्यू करते हैं। और कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप जो लोग जो कहते हैं कि आप देश को बर्बाद कर रहे हैं, अगर मैं आज यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ दूँ तो क्या जो बड़े क्रिएटर्स हैं, क्या जो बड़े खिलाड़ी हैं, क्या जो बड़े बड़े स्टार्स लोग हैं वो ड्रीम इलेवन को प्रमोट करना छोड़ देंगे? क्या सर्वोच्च न्यायालय इसको बैंड कर देगी? क्या ताश की क्राइटेरिया दे पाएगी? क्या जुआ कह पाएगी? तो इन सबसे ड्रीम इलेवन ने पार ले लिया और सर्वोच्च न्यायालय ने इनको लीगल स्किल का गेम कह दिया। तो आप जान लीजिए कि कुछ भी हो, ड्रीम इलेवन अभी तो पॉसिबल नहीं है बंद हो पाना। मैं जानता हूं कि इसका अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लोग करोड़पति बन रहे हैं, अगर एक गांव से एक करोड़पति बनता है तो उसी गाँव के सैकड़ों लोग ड्रीम इलेवन पे भर भर के पैसे डालते हैं और नहीं जीत पाते हैं। कारण क्या होता है, करोड़ों लोग में से कोई 2-4 ही जीत पाते हैं। तो इतना आसान नहीं है कि सब करोड़पति बन जाए। और आपको तो पता ही होगा, हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि भाई वित्तीय जोखिम है, अपनी जिम्मेदारी से खेले, अपने हिसाब से खेले, आप लोगों पे डिपेंड करता है आप लोग कैसे खेलना है। खेलना है खेलिए, नहीं खेलना है मत खेलिए। मैं थोड़े कह रहा हूँ कि आप खेलिए, आपको वीडियो मेरा देखना है तो भी देखिए, नहीं देखिएगा कोई बात नहीं। मैं आपको बता दूँ कि हमारे जीविकोपार्जन है,
कि हम ड्रीम इलेवन विनर का इंटरव्यू चलाते हैं, इससे हमारा परिवार चल जाता है। और अब तो हमने सोचा है कि ड्रीम इलेवन विनर मिला तो मिला, नहीं तो सारा का सारा वीडियो अब डालना स्टार्ट करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। अगर ड्रीम इलेवन विनर मिलते रहा तो उसका भी इंटरव्यू होगा, साथ ही और भी जो न्यूज़ है वो सारा कुछ आएगा। आप लोगों ने बीच में कहा कि विनर दिखाओ तो विनर दिखाया, पर एक बार फिर से मेहनत करनी होगी, सारे कंटेंट पे काम करना होगा, तब जा करके सारा कुछ जगह पे आ पाएगा। हमें अभी भी दिक्कत नहीं है विनर का इंटरव्यू करने के लिए। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी वजह से खराब हो रही है तो आप कमेंट करके बताइए, हो सकता है कि मैं इसको छोड़ दूँ। आप लोग देखते भी हैं, शिकायत भी करते हैं, एक बार शिकायत क्यों नहीं करते उन लोगों के लिए जो करोड़ों रुपए लेकर के ड्रीम इलेवन को प्रमोट कर रहे हैं। और आज ड्रीम इलेवन हर खिलाड़ी के टी शर्ट्स पे पड़ा हुआ है, हर बैनर्स पे पड़ा हुआ है, गांव गांव पड़ा हुआ है, शहर शहर पड़ा हुआ है, मोबाइल के टैग पे पड़ा हुआ है, हर स्क्रीन पे ड्रीम इलेवन का ही ऐड आता है। भाई एक यूट्यूबर के पीछे पड़ कर के आप लोग चाहते हैं कि ये देश को बर्बाद कर रहा है। मैं मोदी जी तो नहीं हूं ना कि मेरी बात पूरी देश समझेगी। मैं एक साधारण क्रिएटर हूँ, वीडियो दिखाता हूँ, थोड़े से पैसे आते हैं, उससे मेरा परिवार चलता है। अब आप लोगों को इससे आपत्ति है तो बोलिए। ऐसे भी देश में बेरोजगारी की हालात है, नौकरी तो मिलने से रही, सोचा YouTube की दुनिया में करियर बनाएंगे, करियर तो बन गई, पर आप लोगों को अच्छा ना लग रहा है, शायद छोड़ करके साधारण बैठ जाऊँ खाली पीली तो ठीक रहेगा। बहुत बुरा लगता है दोस्तों जब आपके लिए काम करता हूँ, आप देखते भी है और शिकायत भी करते हैं। बाकी कॉमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है बताएं, हमें आपकी प्रतिक्रिया की इंतजार रहेगी। चैनल पर नए हैं अगर इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर ले, नहीं तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर सकते हैं। बाकी जैसा आपका प्रतिक्रिया रहेगा वैसा आगे वीडियो आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।